बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हैक्स विद साइमा। आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्जेंट स्किन वाइटिंग फेशियल करने का तरीका बताऊंगी। इस फेशियल को हम पोटैटो से करेंगे क्योंकि पोटैटो में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे रंग को गोरा करती है। फेशियल करना हमारे जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें महीने में एक बार ज़रूर फेशियल करना चाहिए, इससे हमारा चेहरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो फेशियल आज हम करेंगे, उसके 5 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा क्लींजिंग, सेकंड स्टेप होगा स्क्रबिंग, थर्ड स्टेप होगा स्टीमिंग, फोर्थ स्टेप होगा फेस मसाज एंड लास्ट हमारा स्टेप होगा फेस पैक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फेशियल का कोई भी आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट नहीं होगा और टीन एज की गर्ल्स जिनकी एज 16-17 ईयर है वो भी इस फेशियल को कर सकती हैं। चले तो इस फेशियल को करना स्टार्ट करते हैं। क्लींजिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए रॉ मिल्क 2 टेबलस्पून, रॉ मिल्क ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन फ्यू ड्रॉप्स। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसमें हनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या आपकी स्किन पर अगर हनी सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप कर दें। अब आप एक कॉटन लें, कॉटन को इसमें डिप करके अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगा लें। आपने 7 से 8 मिनट तक अपने फेस पर लाजमी क्लींजिंग करनी है। जब अच्छी तरह आपके फेस पर क्लींजिंग हो जाए इसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें। सेकेंड स्टेप हमारा है स्क्रबिंग। इसके लिए हमें चाहिए राइस फ्लोर 1 टेबलस्पून। राइस फ्लोर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो जूस। पोटैटो जूस आप इतना ही ऐड करें कि एक थिक सा पेस्ट बन जाए, जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना ही इसमें ऐड करें। पोटैटो जूस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस स्क्रबर को अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दें। जब 5 मिनट हो जाए इसके बाद अपने फेस पर हल्का हल्का सा मसाज करें। आपने 3 से 4 मिनट तक लाजमी मसाज करना है। जब अच्छी तरह से मसाज हो जाए इसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें। अब थर्ड हमारा स्टेप है स्टीमिंग। जिन लोगों को ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उन्होंने स्टीम को लाजमी लेना है। स्टीम लेने के बाद आप अपने नोज को प्रेस करें, आपके सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बाहर आ जाएंगे। फोर्थ हमारा स्टेप है फेस मसाज। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए पोटैटो जूस 2 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल 2 टेबलस्पून। एलोवेरा ऐड करने के बाद आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलमंड ऑयल को यूज किया है। आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद आपने अपने दोनों हाथों से अपने फेस पर मसाज करना है। कम से कम आपने 7 से 8 मिनट तक अपने फेस पर लाजमी मसाज करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जब अच्छी तरह मसाज हो जाए इसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें। लास्ट हमारा स्टेप है फेस पैक। सबसे पहले हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी 1 टेबलस्पून। मुल्तानी मिट्टी ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो पल्प 1 टेबलस्पून। इसके बाद हमें चाहिए संदल पाउडर 1/2 टेबलस्पून।
संदल पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टर्मरिक पाउडर 1 पिंच। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इस मास्क को अपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लें। कोशिश करें कि अपनी आंखें बंद रखें और चेहरा बिल्कुल सपाट रहे। जब आप ये महसूस करें कि पेस्ट खुश हो गया है और तनाव महसूस होने लगे तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। उम्मीद है कि आपको हमारा नेचुरल फेशियल ज़रूर पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।